हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, और अच्छा होना भी चाहिए। ओम बीत राखी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैं कौन सा मसाला डालती हूँ। देखिए, मैं ये ससदेवा का मसाला डालती हूँ, जो इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मिक्स मसाले निकलते हैं। आप अगर यूज़ करोगे तो अच्छा है। आज जा रहे हैं खस्ता प्याज की कचौड़ी बनाने। देखिए, एक चम्मच धनिया और एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा, मैं इनको भून लूँगी अच्छी तरीके से। इसको भूनने के बाद मैं इसको ग्राइंडर में पीसूँगी। देखिए, हमारा भून गया है अच्छी तरीके से। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। देखिए, भून सा गया है मेरा मसाला। अब मैं इसको निकाल लूँगी। वही कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें एक चम्मच तेल डालूँगी। अब इसमें मैं एक चम्मच जीरा डालूँगी। हम प्याज का बना लेंगे चोखा। उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं हींग। देखिए, हमारा घर लाल हो गया है। उसके बाद मैंने डाला 6-7 मिर्च काट ली थी। आप अपने हिसाब से मिर्च डालें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तीखा लगेगा। ये देखिए, मैंने दरदरा सा मसाला वो पीस लिया है। अब इसको डाल के थोड़ी देर भून लूँगी। ये थोड़ा सा ही भूजे, क्योंकि हमारा मसाला तो पहले से ही भुना हुआ है। मैंने 1 पाव प्याज काटा था, क्योंकि हम प्याज का कचौड़ी बना रहे हैं, इसलिए हमारा प्याज इसमें ज़्यादा लगेगा। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। देखिए, प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट सा हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन। मैंने 6-7 कूट लिए थे। अब इसको डाल दूँगी अच्छी तरीके, फिर इसको भूनूँगी। थोड़ी देर हम भून लिए हैं। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। अब एक चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, जिससे हमारा रंगत अच्छा सा आए। मिक्स मसाला इसमें डाल लिया है। अब इनको भून लिया है। देखिए, मैंने भून लिया है। इसमें मैं 4 चम्मच बेसन डालूँगी। 4 चम्मच बेसन डाल के इसको भी थोड़ी देर भूनूँगी अच्छी तरीके से, हमारा बेसन अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए, हमारा बेसन अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा उबला हुआ आलू डालूंगी। मेरे पास छोटे छोटे आलू थे तो मैंने इतने लिए हैं। आप 2-3 भी डाल सकती हैं, बड़े आलू हो तो। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश करके डाल दिया है। आप इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, क्योंकि उसमें गांठ सा बन गया, वो बिल्कुल ये हो जाए। देखिए, हमारा बिल्कुल चोखा सॉफ्ट सा बन गया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। इसमें डाल और थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने नमक डाला था बस प्याज के लिए। अब इसमें नींबू का रस मैं आधा डाल रही हूँ। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर दें ऊपर से। देखिए, हमारा चोखा भुन गया है। प्याज का बनके हो गया है रेडी हमारा चोखा का मसाला, प्याज का मसाला। अब मैं आटा तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने 2 कुटरा मैदा लिया है। इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। अब डालूँगी इसमें जवाइन मगरेला। आप चाहे तो जवाइन सिर्फ डाल सकते हैं, मुझे दोनों अच्छा लगता है, इसलिए मैं दोनों डाली हूँ। और इसमें मैं 1/2 कटोरा मोम रिफाइन ऑयल डाली हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जैसे हमारा लड्डू बन जाए। आप चाहे तो थोड़ा तेल और डाल सकती हैं, चाहे कम कर सकती हैं, लेकिन हमारा खस्ता होना चाहिए। अब इसको मैं पानी डाल के अच्छी तरीके से सान लूँगी।
देखिए हमारा आटा सन के तैयार हो गया है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा नरम है, मीडियम साइज में मैंने आटा साना है। अब इसकी एक लोई बनाकर अब इसमें मैं वो प्याज का चोखा डाल दूंगी। देखिए अब हम मैं इसमें थोड़ा सा मसाला भर लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। इसको अच्छे तरीके से मैं बंद करके पेड़ा तैयार कर लूँगी। देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा बनाया है। देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, जो मेरा तेल गर्म हो गया है। मैंने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा रखा था, उसमें तेल डालकर। तेल एक बार गरम कर ले फिर उसको कम आँच करके ही उसमें डालें, नहीं तो कचौड़ी सीझेगा नहीं अंदर से। देखिए एक एक करके मैं उसमें ऐड कर दूंगी। एक तरफ से हमारा सीख गया है, अभी इसको हम पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से हमारा थोड़ा हल्का सा रंग चेंज हो गया है इसका, और हमारा कचौड़ी कितना बढ़िया फूला है। देखिए दोनों साइड से मैं लाल कर लूँगी इसको। देखिए हमारी कचौड़ी बन के हो गई है रेडी, एकदम बिल्कुल दुकान जैसी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। प्याज की कचौड़ी बिल्कुल खस्ता कचौड़ी मेरी बनी थी, आप इसको कहीं जाए तो भी लेके जा सकती हैं सफ़र में। देखिए हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी लग रही है।